अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम डॉक्टर तुबा आबिद, अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि बहुत लोगों की डिमांड होती है, और जिस टॉपिक पे जितना मर्जी बोला जाए वो बहुत कम है, बिकॉज़ ये इतना वास्ट टॉपिक है ना, इस पर आप बहुत ज़्यादा इट नेवर एंड्स। तो सो आप समझ तो गए होंगे। सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट अ टॉपिक एंड दैट इज़ हाउ टू लूज वेट, वट इज़ द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट। सो बेसिकली आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट द वेट लॉस टिप्स। अच्छा, अब टिप्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हर किसी का जो है वो डिफरेंट तरह वेट लूज़ होता है। किसी का वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है, किसी का वेट स्लोली लूज़ होता है, किसी का जो है वो इंचेस में लूज़ होता है, किसी का स्केल पे लूज़ होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सो हर किसी की बॉडी डिफरेंट तरह रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि अगर इसका वेट जो है 1 किलो कम हुआ है, मेरा वेट 4 किलो कम हुआ है, या उसका वेट 4 किलो कम हुआ है, मेरा 1 किलो क्यों कम हुआ है। सो डोंट कंपेयर इट, क्योंकि आपकी अपनी एक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात कि जब आप वेट लूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ डोंट थिंक कि मतलब बस मैंने जो है एकदम 10 किलो करना है, एकदम 15 किलो करना है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आपने इतने टाइम में जो अपना वेट बढ़ाया होता है खा खा के, या अनहेल्दी ईटिंग से, जंक फूड से, शुगर से, ड्रिंक से, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको स्लोली कम होता है। क्योंकि आपकी एक बॉडी है, आपकी एक बॉडी एक सिस्टम है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ये कोई मिरेकल नहीं होता कि आप बहुत जल्दी जो है वेट कम हो जाए, आपका हो जाए। स्टार्टिंग में ऐसे होता है, किसी किसी का बहुत जल्दी वेट गिरता है क्योंकि उनकी बॉडी से वाटर वेट लॉस होता है। तो जब वाटर वेट लॉस होता है तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली जो है आपका वेट लूज होना स्टार्ट होता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो स्टक हो जाता है या वो स्लोली कम होता है। तो हर हमारी बॉडी का प्रॉपर एक सिस्टम होता है, सो प्लीज़ गिव योर बॉडी प्रॉपर टाइम। ये कोई मिरेकल नहीं होता जिससे आपका एकदम वेट गिर जाए। सो बैक टू द टॉपिक, अब मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताऊँगी। अच्छा, पहली बात यह कि आप तो कैलोरी डेफिशिएंट में खाते ही हैं, ठीक है। कैलोरीज आप नॉर्मल इंटेक से तो कम करते ही हैं, इससे तो आपका वेट कम होता है। आप स्पेसिफिक सर्विंग्स में खाते हो, मॉडरेट अमाउंट में खाते हो, उससे आपका वेट कम हो जाता है, ठीक है। वो एक आगे डिटेल है, मतलब अगर हम प्लान वाली साइड पर जाएँ, लेकिन कुछ जनरल टिप्स इस तरह की हैं कि जिससे आपका वेट, अगर आप ये टिप्स ही फॉलो कर लो तो उससे आपका ये वेट लूज होगा। टिप नंबर 1, आपने अपनी लाइफ के अंदर फिज़िकल एक्टिविटी को जो है ज़रूर करनी है डेली। मेक फिज़िकल एक्टिविटी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपने वो फिज़िकल एक्टिविटी करनी है 30 टू 45 मिनट्स 5 to 6 days इन अ वीक। वो फिज़िकल एक्टिविटी जो है आप कुछ भी हो सकती है, अगर आपके लिए वॉक फिजिबल है आप वॉक करें, अगर आपके लिए एक्सरसाइज फिजिबल है आप एक्सरसाइज करें, जो आपके लिए फिजिबल है। क्योंकि इसके बाद मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि डॉक्टर तो हम कौन सी एक्सरसाइज करें ये वो। तो आपको जो एक्सरसाइज आप इंजॉय करके कर सकते हो, डू डैट एक्सरसाइज, उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप वेट कम कर लेते हो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो कि नहीं अब एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि मैं थक गई थी, या मुझे टाइम नहीं मिलता, या मेरा मुझे बॉडी में पेन होती है, ये होता है वो होता है। नहीं, आप खुद देखें जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के बेशुमार फ़ायदे हैं, सो डू दैट, इंक्लूड दैट इन योर लाइफ, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि आप जो है वो हेल्दी ईटिंग करें, ठीक है। आपने जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी है, आपने हेल्दी खाना खाना है, आपने जो है खाना है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं खाया सुबह से शाम तक मैं भूखा रहता हूँ या भूखी रहती हूँ, तो नहीं, दैट्स टोटली अनहेल्दी। कीप ईटिंग, अपना एक ईटिंग पैटर्न बनाएं जिससे अगर आप हेल्दी खाते रहेंगे, अगर आप खाएंगे तो आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। खाना छोड़ने से आपका वेट कम नहीं हो सकता, आप उसको कब तक छोड़ सकते हैं, इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ लूजिंग द वेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, अपनी लाइफ से प्रोसेस्ड मीट को कट ऑफ कर दें। मतलब आप जो कहते हैं मैंने बर्गर खाना है, या मैंने ये फ्रोजन समोसे खा लिए, मैंने नगेट्स खा लिए, नो। अगर आपका दिल करता है खाने को आप उसको होममेड बनाओ, लेकिन आप वो बाजारी इस तरह के खाने प्लीज़ डोंट डू दैट। वो अपने आप को आप हार्म देते हो, अपने आप के लिए वो आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। चौथी चीज़ ये जो मैंने आपको पहले बताई, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। हर किसी का अपना सिस्टम है, हर किसी की अपनी बॉडी है, हर किसी का अपना मेटाबॉलिज्म है, सो नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन हु इज़ ऑन द सेम ट्रैक ऑफ लूजिंग द वेट और गेनिंग द वेट और एक्सेट्रा, ठीक है।
उसके बाद ये अपना वाटर इनटेक आपने बहुत अच्छा रखना है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, प्लीज़ ड्रिंक वाटर टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होगी आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि वाटर के हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारी बॉडी 70% जो है वो वाटर से बनी हुई है, सो प्लीज़ कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ठीक है। उसके बाद ये कि आप अपनी बॉडी से ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को टाटा बाय बाय कर दें, शुगर को बाय कर दें, रिप्लेस योर अनहेल्दी रूटीन विद योर हेल्दी रूटीन, अपनी डाइट से जंक फूड को बाय कर दें, अपनी लाइफ के अंदर जो है वो हेल्दी फूड को लेके आएँ, हेल्दी खाएँ, हेल्दी बनाएं, और उसके बाद अपनी डाइट के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करें। लेकिन डजेंट मीन कि आपने जो है फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा बल्क में खाने हैं, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। सो इफ़ यू वांट टू लूज वेट, डू फॉलो दीज टिप्स एंड DM me or message me for the diet plans, for the customized diet plans. Thank you so much. Like this video, share this video and follow me. Okay? Allah Hafiz.